नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में शिवराम चौधरी साहब हैं और उनकी धर्मपत्नी है मिथिलेश चौधरी जी, इनसे बात कर लेते हैं। कोरोना काल चल रहा है, भयावह स्थिति हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत बुरा समय है जी। देश के अंदर भयावह स्थिति हो चुकी है। अस्पताल और ये वेंटिलेटर वगैरह सब आईसीयू वगैरह फुल हो रहे हैं, लोग परेशान हैं जी। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जब तक अस्पतालों की व्यवस्था चरमराएगी नहीं तब तक हम लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन कोशिश ये हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर किया जाए, उनको समझाया जाए और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क लगा कर डिस्टेंस की दूरी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार काम कर रही है या भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही? दिल्ली सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार का तो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक कहना है कि अगर हमें वैक्सीन मिले तो हम पूरी दिल्ली को 3 महीने में वैक्सीन से युक्त लगा सबको लगा देंगे वैक्सीन। भाजपा की बात करें, आप शिवविहार के अंदर रहते हैं, क्या यहाँ की जो वर्तमान में निगम पार्षद है कोई ध्यान नहीं, कोई सैनिटाइजिंग नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई काम नहीं करती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई काम नहीं है, सफाई संबंधी कोई काम नहीं है, कोई भी काम हफ्ते 10-10 दिन कोई गाड़ी नहीं आती, कोई टीपर नहीं आता कूड़ा उठाने के लिए। जनता तो भाजपा की जय जयकार कर रही है। जनता क्या कर रही है, जनता तो परेशान है इस टाइम, लेकिन कारण क्या है कि वो कुछ कहने को मजबूर हैं लोग। और आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के साथ यहाँ की निगम पार्षद की सीट जो आम आदमी पार्टी को जाएगी, ये पक्का मन बना चुकी है, बिहार की जनता यहाँ का पक्का मन बना चुकी है। क्यों हटाना चाहते हो भाजपा से यहाँ से निगम पार्षद? निगम में इतना भ्रष्टाचार है कि सफाई कर्मचारी से लेकर और जेई और एई जो डिपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन के सब घुसखोर है। वो तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं जी, सबसे ज्यादा घुसखोर है और कुछ कोई काम नहीं करते हैं। और अगर एक आदमी 25-50 गज का मकान बनाने के लिए अगर कोशिश करता है तो वहाँ निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों को कि 2 नंबर की टीम जो वहाँ से आई नहीं है, 4-6 लड़के अपने निगम पार्षद इकट्ठे करके और उनको दबाव बनाती है, 25-50 हज़ार रुपये की रिश्वत मांगते हैं, जब जाकर लोग मजबूरन होकर पैसे दे के मकान कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। शिवराम चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि अगर मान लो आम आदमी पार्टी नगर निगम में आएगी तो ईमानदारी से सब काम होगा? बिल्कुल ईमानदारी से काम होगा और 100% काम होगा, किसी प्रकार की रिश्वतखोरी, किसी प्रकार की दलाली, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने पहले किया है दिल्ली सरकार में, नया निगम में आने के बाद करेगी, हम ये कसम खाते हैं इस बात की। मिथिलेश जी, आप क्या शुभकामना देंगे, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, क्या शुभकामना बधाई देंगी, रमजान भी चल रहे हैं? मैं सभी आप पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और रमजान चल रहे हैं, रमजान की मुबारकबाद देती हूँ। मोहम्मदन भाइयों, क्या कहना चाहेंगे, भाजपा जानी चाहिए अब नगर निगम से? जी, भाजपा जानी चाहिए, भाजपा का शासनकाल हमें सही नहीं लगता। नहीं लगता? आम आदमी पार्टी क्यों पसंद? आम आदमी पार्टी एक तो जुझारू है जी, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी कड़ियां आराम से काम करती हैं जी, और जिस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, उसी तरीके से करती है जी, इसलिए मुझे आम आदमी पार्टी बहुत पसंद। महिलाओं के लिए क्या करा आम आदमी पार्टी ने? बस में टिकट फ्री कर दिया और वो उसमें बसों में गार्ड्स लगा दिए हैं, लाइट स्ट्रीट लाइट लगा दी हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, ऐसे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये जो फ्री का नशा आप लोगों ने दिया है सही है? बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, ये तो जी चक्कर ये है कि दिल्ली में आधी से ज़्यादा क्या, मैं तो ये कहूँगी 60% आबादी बहुत गरीब है, ये उनके लिए हुआ जी। जनता खुश है आम आदमी पार्टी से दिल्ली बहुत की? जो नीचे है ना गरीब, उनके लिए बिजली पानी फ्री होना जरूरी ही था जी। आप एक महिला है, यहाँ से निगम पार्षद भी महिला है, भारतीय जनता पार्टी के, कितना काम करती हैं भाजपा की निगम पार्षद? भाजपा के निगम पार्षद तो बिल्कुल, वो तो घर से ही नहीं निकलती, वो तो काम करती नहीं। कौन है निगम पार्षद? रीना कटारिया जी। काम नहीं करते जी? नहीं, देखा ही नहीं क्षेत्र में, देखा ही नहीं। अब जैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, चूना लगाना हो, साफ सफाई करना हो, सैनिटाइज वगैरह, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं जी, कोई कहने सुनने वाला नहीं, किससे कहें हम? बिल्कुल ठीक बात। तो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए।